हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल तरन किचन पे। आज मैं आपके लिए लाई हूँ बीन्स की सब्जी। तो फ्रेंड्स, जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि मेरी वीडियो जल्द से जल्द आप तक पहुँचे। फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं हम रेसिपी बनाना। सबसे पहले हम रिफाइंड ऑयल डालेंगे, तेल हमारा गर्म हो चुका है, इसमें डालेंगे हम थोड़ा सा जीरा और कटा हुआ प्याज। इसको पका लेंगे अच्छे से। प्याज हमारा भून चुका है, इसमें डालेंगे हम जिंजर गार्लिक पेस्ट 1 टीस्पून। अब इसको भी अच्छे से पका लेंगे। जिंजर गार्लिक पेस्ट हमारी भून चुकी है, इसमें डालेंगे थोड़ी सी देगी मिर्च 1/2 टीस्पून। इसी के साथ डाल देंगे टोमेटो प्यूरी और ग्रीन चिल्ली पेस्ट। टमाटर हमारे अच्छे से पक चुके हैं, ऑयल छोड़ दिया। अब इसमें डाल देंगे हम छोटे छोटे चॉप किए, मैंने 2 आलू लिए थे वो डाल रही हूँ। ये 200 ग्राम मटर है वो डाल रही हूँ, साथ में 200-250 ग्राम बीन्स है वो भी डाल रही हूँ। अब इसको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। सूखे इंग्रेडिएंट्स भी डाल देते हैं साथ में। 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टीस्पून रेड चिल्ली पाउडर, 1/2 टीस्पून गर्म मसाला, नमक हमने ऑलरेडी डाल दिया है। अब इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे और 10 मिनट के लिए अच्छे से पका लेंगे ढक के इनको। सब्जी को अब ढक के हम 10 मिनट के लिए पका लेंगे, मीडियम फ्लेम पे पकाना है हमने इसको। 10 मिनट हो चुके हैं, अब चेक कर लेते हैं हमारी सब्जी हो गई है कि नहीं। ये देखिए हमारी सब्जी ऑलमोस्ट हो चुकी है, आलू भी हमारे हो चुके हैं और मटर भी हो चुके हैं। तो कम से कम 10 से 15 मिनट में ये सब्जी बनके तैयार हो जाती है। अभी हम इसमें धनिया डाल देंगे, इसको अच्छे से मिक्स करके बाउल में सर्व करेंगे इसको। गार्निश करेंगे हम इसकी धनिया से, साथ में डालेंगे थोड़ा सा देसी घी। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी लाजवाब बीन्स की सब्जी बनके तैयार है। आप भी इसी तरह से बनाएं, सबको खिलाएं। मेरी रेसिपी देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स वीडियो देखने के लिए।